नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पर्सनल लोन ढूंढ रहे हैं लो सिविल स्कोर पर बिना किसी इनकम प्रूफ के? तो इस वीडियो में बने रहना। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HDB फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं। तो HDB फाइनेंस एक RBI NBFC के अपना नहीं है, तो इसमें आपको जो है कि लो सिविल स्कोर पर भी यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर आपको जो है कि थोड़ा आपको इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा, बट आप जो है कि यहाँ से 100% अप्रूवल लेकर जाएंगे। मैंने इस वीडियो में आपको 870,000 रुपये का लोन इंस्टेंट ट्रांसफर करके दिखाया है और अप्रूवल लेके दिखाया है। तो इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मैं पूरा तरीके से बताऊंगा कि क्या यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगा, कैसे आपको जो है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पर जो है कि इनमें अपलोड वगैरह करना है, कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इन सब पे लगने वाले फीस एंड चार्जेस को भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ पहले ही कि कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पर नहीं है, पूरा यहाँ पर क्लियरेंस बता रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है, चलो मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको। इस वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। सबसे पहले आपको जो है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसमें आपको देख सकते हैं हम HDB फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जिसमें आपको जो है कि यहाँ पर पूरी प्रोसेस देखने को मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर आपको जो है कि EMI कैलकुलेटर मिल जाता है, आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल जाता है, आप यहाँ पर जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह लगे वो पता चल जाता है, कितना लोन आप यहाँ से ले सकते हैं वो पता चल जाता है। देख सकते हैं हम जो कि 20 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, ओनली स्टेटमेंट पर आप जो कि वाला लोन ले सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर आपको जो है कि पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता रखा है इन्होंने। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ EMI कैलकुलेट करके, तो हम जो है कि यहाँ पर 1 लाख रुपये का लोन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन 1 लाख रुपये का लोन हम यहाँ पर लेते हैं 13% के हिसाब से, यानी कि 12% या 13% रख लेते हैं हम, जिसमें यहाँ पर हम जो है कि EMI हमारी 24 महीने की रख लेते हैं। ठीक है, अभी 25 महीने तो इसको 24 कर लेते हैं। सबसे पहले हम 24 महीने हम जो है कि यहाँ पर कर लेंगे इसको। 24 महीने करने के बाद मैं आपको जो है कि यहाँ पर पूरी EMI कैलकुलेट करके वो दिखा देगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो बता देगा, और आपका मेन अमाउंट पर यहाँ पर टोटल रिपेमेंट कितना करना वो बता देगा, जिसमें यहाँ देख सकते हैं हमारी EMI बनेगी यहाँ पर 4,754 रुपये की। उसके बाद यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट हमारा पे करेंगे हम 14,100 रुपये का, और टोटल मिला के हमें पेमेंट करना होगा रीपेमेंट 1,14,100 रुपये का। ठीक है, तो अगर आपको जो है कि यहाँ पर सब कुछ सही लगता है तो डायरेक्टली आपको जो है कि यहाँ पर अप्लाई नो का बटन दिखाई दे रहा है, अप्लाई नो के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर फीचर एंड बेनिफिट पर्सनल लोन वगैरह सब कुछ वो भी पढ़ सकते हैं। चलो अप्लाई नो पर हम क्लिक करते हैं। अप्लाई नो पर हम क्लिक करेंगे तो आगे की प्रोसेस हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप चाहे तो जो है कि अप्लाई नो पर क्लिक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सअप से अप्लाई करना तो कमेंट में व्हाट्सअप लिख देना, मैं आपको जो है कि उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा, बहुत आसानी से आपको अप्रूवल मिल जाता है। हम जो है कि यहाँ पर वेबसाइट से भी अप्लाई करेंगे तो हम जो है कि यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आप जो है कि यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो 4 स्टेप में आपको आपका लोन मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सब कुछ डिटेल्स देना है, जैसे कि पैन कार्ड, पिन कोड नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सब कुछ आपको जो है कि यहाँ से फिल कर देना है। ठीक है, हम जो है कि यहाँ पर सब कुछ फिल कर दिया है। सब कुछ फिल करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको यहाँ पर जो है कि नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा लोन यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, को जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन पर क्लिक करके आपको चेकबॉक्स पर दिखाई दे रहा है, चेकबॉक्स पर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, चेकबॉक्स हम फिल कर देते हैं, देन हम जो यहाँ पर किक अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है, देन आपको जो है कि यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे सेकंड प्रोसेस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें प्री अप्रूव्ड ऑफर के लिए हम 1 स्टेप और बचे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है, जिसमें आपको वर्क का इन्फॉर्मेशन देना होगा। हम सेकंड स्टेप पे आ गए हैं। 4th स्टेप में हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो सेकंड स्टेप में आपको जो है कि यहाँ पर आपको कंपनी का नाम बताना है। उसके बाद आपकी जो है कि यहाँ पर मंथली सैलरी कितनी है वो आपको बताना है, नेट सैलरी। उसके बाद आपको जो है कि करंट जॉब आपका यहाँ पर बताना है, कितने महीने से आप कर रहे हैं। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बताना है, कितने साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है साल में। ठीक है, तो 5 साल का आपको जो है यहाँ पर डाल देना है, देन आपको जो है कि यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सब कुछ हमने फिल कर दिया है, हम जो है नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। 3rd स्टेप में आपको जो है कि यहाँ पर लोन ऑफर मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों हमें जो है कितना ज़्यादा लोन में यहाँ पर ऑफर में मिला है, 870,000 का लोन हमें जो है ऑफर में मिला है। ठीक है, तो 870,000 के लोन में आप जितना चाहते हैं उतना आप लोन ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको स्क्रॉल करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है कि अगर 1 लाख रुपये का लोन ले चाहें तो वो भी ले सकते हैं, 3 लाख का चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 1 लाख रुपये का लोन यहाँ पर लेकर दिखा देता हूँ। तो सिंपली हम जो है कि यहाँ पर 1 लाख रुपये का सेट कर लेते हैं। 1 लाख रुपये का सेट करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स देनी होगी।
जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट में हमारा बैंक डिटेल्स, यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है, सैलरी डिटेल्स आपको देनी है, उसके बाद केवाईसी डिटेल्स आपको देनी है। सैलरी डिटेल्स में आप जो है कि चाहे तो यहाँ से जो है आपका स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कि इनको क्लिक कर करके यहाँ से चूज़ कर सकते, देख सकते हैं हम सैलरी के लिए या फिर बैंक स्टेटमेंट जो भी चूज़ करना है वो कर लेना। देन आप जो है कि यहाँ पर इनका भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो हम जो है कि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड करना चाहते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट हम क्लिक करेंगे। देन आपको जो है कि यहाँ पर आपकी अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको जो है कि यहाँ पर सब कुछ सबमिट हो जाता है। यहाँ पर आप जो है कि सब कुछ चूज़ कर लेना है, ये सैलरी करना चाहते हो सैलरी, और केवाईसी में आप जो है कि यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह जो भी चूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है कि यहाँ पर पूरा अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर वेट करना है 24 से 48 घंटे का। 24 से 48 घंटे का आप वेट करेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पर आपके पास में कॉल आएगा, उस कॉल में आप जो है कि कन्फर्मेशन बताएंगे वो आप अप्रूवल मिले या फिर नहीं मिले, सब कुछ आपको जो कि यहाँ पर अगर सही रहा तो आपको यहाँ पर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको जो कि यहाँ पर आपका पैसा बैंक अकाउंट में, उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है कि HDB फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप जो है कि आगे की प्रोसेस में आपको बस कुछ नहीं करना है, अपलोड करके यहाँ पर वेट करना है, आपको कॉल आएगा और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो बस इतना ही स्टूडियो में, थैंक यू।